अस्तित्व खबरें विस्तार से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी मतजनता के रुझानों के मुताबिक एक बार फिर से सत्ता की तरफ जोर जोर से बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल इस पर बतौर हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। अभी तक कोई मतों की गिनती के मुताबिक आम आदमी पार्टी 57 सीटों पर बढ़त लाए हुए, जबकि भाजपा 13 सीटों पर और कांग्रेस की झोली खाली चल रही है। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल भाजपा के उम्मीदवार सुनील कुमार के आगे चल रहे हैं। वही आम आदमी पार्टी के नई नेता भाजपा के उम्मीदवारों से पीछे चल रहे हैं। भाजपा के उम्मीदवार सुनील कुमार से आगे चल वही जीत की ओर बढ़ते हुए आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बधाई दी थी। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1016 हो गई है, जबकि 42,638 व्यक्तियों में ये संक्रमण पाए जाने की पुष्टि हुई है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग में एक व्यक्ति के मुताबिक हुबेई प्रांत में 103 लोगों की मौत हुई है। आयोग के अनुसार कोरोना वायरस से पीड़ित 7,333 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। वही हांगकांग में भी 42 लोगों के बीच वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। गूगल में कर्मचारियों में असंतोष बढ़ने की खबरों के बीच कंपनी के एचआर प्रमुख एलिन नॉक्टन ने पद से हटने की पुष्टि की है। गूगल के प्रमुख सुंदर पिचाई ने कहा है कि एलिन के कदम की कंपनी आभारी है और गूगल में उनकी दूसरी भूमिका के लिए उत्साहित है। पिचाई के अनुसार नॉक्टन के कार्यालय में गूगल के करीब 70,000 लोग जुड़े। नॉक्टन ने कहा कि वे पिचाई और मुख्य वित्तीय अधिकारी रूथ पोरोट के साथ उनका विकल्प ढूंढने में मदद करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे। ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी आएंगी। यह दौरा भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक साझेदारी की ओर मजबूत करने के अलावा दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों का बेहतर बनाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए